दोस्तों अगर मैं कहूं कि प्रकृति समय समय पर अपने नियम और अपने आप में परिवर्तन करती रहती है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि जीवन परिवर्तन का एक रूप है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू और जानते हैं विस्तार से। और दोस्तों ऐसे ही एक चेंज परिवर्तन की खबर आई है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। दोस्तों कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके अनुसार जेब्रा, जी हाँ दोस्तों वही जेब्रा जिसे हम ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बचपन से देखते आ रहे हैं, फिर चाहे वो बुक हो या फिर रियलिटी। दोस्तों कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार जेब्रा का कलर ब्लैक एंड व्हाइट से रेड हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। और दोस्तों इसका कारण है उसकी जीन्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट से रेड। दोस्तों जेब्रा के बारे में 3 फैक्ट ताकि आपका माइंड अपडेट हो सके। फैक्ट नंबर 1, जेब्रा की संतान को जोंकी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जेब्रा के बेबीज जन्म लेने के 20 मिनट बाद ही चलने में सक्षम होते हैं, वो 20 मिनट बाद ही चलने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जब जेब्रास अपने बेबी को जन्म देते हैं तो उन्हें जन्म से 2-3 दिन तक कहीं भी बाहर निकलने नहीं देते हैं, ताकि उनका बेबी अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जान पहचान ले, ताकि जब वो बाहर निकले तो वो अन्य जेब्रास को देखकर कंफ्यूज ना हो। गाइस अगर आपको हमारा फैक्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।